खुले तो है। एसडीएम और एसडीएम लेवल पे वो तो करेंगे ही करेंगे, एसपीडीएम शहर में मार्च कर हो सकता तो होगा, मैं खुद आऊं तुमको दे दीजिए पहले मीडिया वालों को, प्लीज आप थोड़ा सा वेट के थोड़ा सा ले सर। ये लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेके हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बॉर्डर में ऑलरेडी डिप्लाई हुआ है जो बीएसएफ, इन सब से लेके हम लोग बॉर्डर डोमिनेशन को, बॉर्डर एरिया डोमिनेशन को वो पेट्रोलिंग चला रहे हैं। उसके अलावा जो जो सेंसिटिव लोकेशंस है, पिछले इलेक्शन में जो पिछले साल का जो असेंबली इलेक्शन में या फिर 2019 का लोकसभा इलेक्शन में जहां पे भी दिक्कत हुआ था, जहां पे हमको ज्यादा तकलीफ हुआ एज इलेक्शंस को लेके, वहां पे पूरा हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। और जहां पे भी जो भी लोग ये इलेक्शन प्रोसेस को रुकावट करने के लिए या फिर इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इन सबके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई किया जा रहा है। तो मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा सबको यह कहना चाहूंगा कि आप जो भी राजनीति दल का हो तो आप अपना आराम से अपना कार्यक्रम कर सकते हो विद लीगल परमिशन ऑफ कोर्स, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। और जहां पे भी कोई भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन ली जाएगी। और मैं चालू है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जैसे इलेक्शन आ जाता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर ही काम करते हैं। इसमें जो हेल्पलाइन नंबर के अलावा डिस्ट्रिक्ट का भी हमारा कंट्रोल नंबर है, सब नंबर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा, मीडिया के माध्यम के द्वारा हम लोग पब्लिक के पास दे देंगे। आज या कल तक आप सबके सबका नंबर आपके पास आ जाएगा। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस नंबर का उपयोग करिए, अगर जो भी कंप्लेंट आ रहा है आप उनको तुरंत हमारे नॉलेज में लेके आए, हम लोग इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। सर सेंसिटिव एरिया कौन सा है कि अलग हुआ देखिए वो सेंसिटिव एरिया का हम लोग पब्लिकली तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट जहां तक हमारे नॉलेज में है, जो हम लोग हमारे जो प्लानिंग के हिसाब से है और हम पूरा सेंसिटिव एरिया कवर कर रहे हैं। वैसे सिपाही जिला पूरा डिस्ट्रिक्ट ही सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि हमारे पास 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो इसको लेके हम लोग पूरा ही कवर करेंगे। एंड आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी तकलीफ नहीं होगी इलेक्शन के कार्यक्रम में, एंड इलेक्शन पीसफुली निकल जाने के लिए हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे। तो जितना अभी तक तो यहाँ पे सोनामुड़ा के अंदर हम लोग 2-3 बार सीज किया है, कलमचला में भी हम लोग सीज किया, विशालगढ़ में भी एक गाड़ी को हम लोग सीज किए। जैसे हमारे हाथ में पकड़ में आ रहा है हम लोग सीज करके इसको कस्टम्स को हैंड ओवर करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास लीगल करेंगे, हम लोग कस्टम्स को करते, तो फिर हम लोग जैसे हम सब गाड़ी तो हम लोग सीज करेंगे, फिर कस्टम्स इसके आगे कार्रवाई करेंगे।